गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी अकाउंट्स एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ओके, आईएससी 2010 एडमिशन से आया हुआ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ लकी, राहुल और संजय पार्टनर है जिनका रेशियो है 1:3। नया पार्टनर अरुण ज्वाइन करेगा, वो 20,000 रुपया एज ए कैपिटल देगा, उसका शेयर होगा 1/5। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। 1, 2, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, उसको एवरेज कर देंगे तो वहां से गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा। अरुण इज अनेबल टू ब्रिंग कैश, अनु गुडविल का पैसा प्रीमियम लाने में अनेबल है, वो गुडविल का पैसा नहीं देगा। जर्नल एंट्री करना है और ये बता दिया जा रहा है गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में 24,000 है, तो एडमिशन अरुण होगा, अरुण कैपिटल देगा, गुडविल का पैसा नहीं देगा। अब बैलेंस शीट में ये गुडविल है, इसको राइट ऑफ कर देना है। बोला गिव जर्नल एंट्रीज, इसका एंट्री करके आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले रेशियो का वर्किंग करके दिखा देते हैं आपको। ओल्ड रेशियो 1:3 है, अरुण शेयर 1/5, लेट टोटल प्रॉफिट 1, अरुण शेयर 1/5, तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5 आएगा। तो इसके अलावा अब आते हैं लकी न्यू शेयर। लकी का न्यू शेयर 4/5 में उसका शेयर होगा 1/6, दैट इज 4/30। लकी के बाद राहुल, राहुल का न्यू शेयर में 4/5 में 2/6, 8/30। राहुल के अलावा संजय, संजय का न्यू शेयर में 4/5 का 3/6, 12/30। और नया पार्टनर आपका अरुण, अरुण का न्यू शेयर उसका तो 1/5 था, 30 करना है, 6/6, 6/30। तो आपका न्यू रेशियो हो गया 4, 8, 12 और 6। थोड़ा छोटा हो सकता है 2, 4, 6 और 3। इसके अलावा गुडविल का हिसाब करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो लकी का था 1/6 माइनस न्यू रेशियो हो गया आपका 2/15। एलसीएम दे देते हैं आपका 30 दे देते हैं, 5 - 4 दैट इज सॉरी 1/30। दूसरा देते हैं आपका राहुल, राहुल का 2/6 माइनस 4/15, इसका भी एलसीएम 30 देते हैं, 10 - 8 2/30। और संजय 3/6 माइनस 6/15, एलसीएम 30 दिए, 15 - 12 दैट इज 3/30। देयरफोर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ गया 1:3, दैट इज इक्विवेलेंट टू ओल्ड रेशियो। ओके, अच्छा, गुडविल दो नंबर वर्किंग करते हैं। गुडविल इक्वल टू जस्ट एवरेज प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट दिया था, उसको एवरेज कर देना है 25, 28 और 37। 25,000, 28,000, 37,000 डिवाइडेड बाई 3, 25, 28, 37, 25,000, 28,000, 37,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 30,000। तो गुडविल का वैल्यू आ गया 30,000। इसमें नया पार्टनर का नाम है आपका अरुण,
अरुण सेयर 30,000 इंटू 1/5 दैट इज 6,000। ये हो गया वर्किंग। पहले न्यू रेशियो निकाल लिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए, गुडविल का वैल्यूएशन करने के बाद नया पार्टनर का शेयर उसमें पता चल गया 1/6। अब यहाँ जर्नल एंट्री रखना है। देखिए आपके सामने रख दिए फॉर्मेट जर्नल का। नया पार्टनर कैपिटल के नाम से 20,000 दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू अरुण्स कैपिटल अकाउंट 20,000 बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल। गुडविल के नाम से 6,000 लाना है, वो देगा नहीं। अब बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल 24,000 है, तो वो 24,000 गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो पार्टनर्स को डेबिट करना होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना होगा। तीनों ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा था 24,000, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 4,000 8,000 12,000 बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ। ओके, नया पार्टनर को गुडविल के नाम से 6,000 देना है, वो देगा नहीं, तो करेंट अकाउंट के हेल्प से एडजस्ट किया जाता है। अरुण करेंट अकाउंट डेबिट 6,000 और टू ओल्ड पार्टनर में बंटवारा हो जाएगा। लकी कैपिटल अकाउंट, राहुल कैपिटल अकाउंट एंड संजय कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए थे 1,000 2,000 3,000। ठीक है, तो नया पार्टनर कैपिटल के नाम से पैसा दिया, तो कैश टू कैपिटल पहला एंट्री कर दिए। दूसरा, वो गुडविल जो बैलेंस शीट में था उसको राइट ऑफ कर दिए। गुडविल के नाम से पैसा नहीं दिया, तो करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिए और कैपिटल को क्रेडिट कर दिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड ऑन एडमिशन ऑफ अरुण एज ए पार्टनर। ओके, तो आप पहले देख लो जर्नल एंट्री का अगर बात करते हैं, तो नया पार्टनर कैपिटल के नाम से पैसा दिया, तो कैश टू कैपिटल। बैलेंस शीट में जो गुडविल एग्जिस्टिंग था उसको राइट अप कर दिए, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल। नया पार्टनर गुडविल के नाम से पैसा देने में अनेबल है, तो करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट किए, यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल का वैल्यू नहीं दिया था, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ISC 2010 एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक छोटा प्रॉब्लम। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।